बच्चों बच्चियों, जिंदगी की खूबसूरती हर इंसान चाहता है और ये सिर्फ दरे मुस्तफा से मिलेगी। एक अच्छा बेटा, पहली शक्ल है अच्छा बेटा। और मेरा नबी कह रहा है, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते और नहीं तो मेरी माँ जिंदा होती तो तुम देखते मैं क्या करता। मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पे होता और मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा होता और उधर से मेरे घर से मेरी माँ मुझे कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। सुभान, हाँ मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। और मेरे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? ये बच्चियाँ गौर से सुने, सारे सुनो पर ये ख़ास तौर से सुने। आपने कहा अल्लाह को पता है। कहा या रसूलल्लाह कोई निशानी बता दें, तो आपने कहा जब बेटियाँ भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आएगी। जब बेटियाँ भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत। अंतलिदल अमत रब्बतहा, जब माँ के साथ बेटियां नौकर जैसा सलूक करेंगी, नौकरानी जैसा सलूक करेंगी तो क़यामत के नकारे पे चोट पड़ के रहेगी। ये नहीं कहा जब कुफर फैल जाएगा और जब इस्लाम मिट जाएगा, उस हालांकि क़यामत उस वक्त आएगी जब दुनिया में एक मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। ये वाकया की संगीनी को बताने के लिए फरमाया, जब माओं को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया, उमर तेरे दौर में एक शख्स आएगा उवैस, उसका कबीला होगा मुराद, आगे सब कास्ट होगी कर्न, उवैस बिन आमिर, उसे दुआ करवाना। वो काले रंग का होगा, छोटे कद का होगा, और उससे दुआ करवाना। दुआ तू भी करवाना, अली तू भी करवाना, अली और उमर उवैस उनके लिए दुआ करें। उन्होंने पूछा क्यों? कहा उसने माँ की खिदमत करके अल्लाह को इतना राजी कर दिया है, जब वो हाथ उठाता अल्लाह खाली नहीं लौटाता। अल्लाह की कसम, उमर और अली को उवैस की दुआ की ज़रूरत नहीं थी। उम्मत को पैगाम देना था कि माएँ जलील हो रही हैं आज और बाप जवान औलाद से छुपते फिर रहे हैं, तो मेरे रब मेरे नबी ने ये आगे पैगाम देना था कि नबी होकर रसूल होकर कह रहे हैं काश माँ होती तो मैं उसके लिए नमाज तोड़ देता। आपको आठ औरतों ने दूध पिलाया वालदा समेत, उनमें एक उम्मे ऐमन भी हैं आपके वालिद की बांदी। तो घर में तशरीफ़ फरमाते, उम्मे ऐमन बैठी थी हज़रत आयशा, तो उम्मे ऐमन कहने लगी या रसूलल्लाह पानी तो पिला दें। तो अल्लाह के नबी एकदम उठे तो हज़रत आयशा नाराज़ हो गई, उम्मे ऐमन अल्लाह का रसूल को कहती पानी पिला। कहा तो और क्यों ना कहूँ, मेरा बेटा है मैंने दूध पिलाया। तो हज़रत मेरे नबी ने कहा हाँ हाँ आयशा ये मेरी माँ है, इसका मैंने दूध पिया है। आप उठे घड़े में से पानी भर के यूं दोनों हाथों से हजरत उम्मे ऐमन को पेश किया जो हबशी बांधी थी। चूंकि दूध पिया है तो माँ का लफ्ज सादिक आ गया, तो बजाय इसके कि बुरा मनाते आप खादिम बन के अपने अपनी माँ को, दूध पिलाने वाली माँ को आपने। हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाई, आपने अपनी चादर बिछाकर उसके ऊपर बिठाया। हमें 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 पैगाम देना था, आने वाले ज़मानों में ये होना था। सुभान अल्लाह, इमाम अबू हनीफा का नाम तो सबको मालूम है ना। एक और आलिम बताता हूँ, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला। इनमें इल्मी खटपट थी बहुत ज़्यादा, आपस में बनती नहीं थी। तो अबू हनीफा जैसी हस्ती जिनके करोड़ों फॉलोअर आज हैं, उनकी माँ कहती नोमान ये मसला है जाके अब्दुर्रहमान से पूछ के आ। जिंदगी में एक दफ़ा नहीं कहा माँ जी मैं उसको वड्डा आलिम है मेरे को पूछ लो। कहा अच्छा माँ जी, अपनी चादर उठाते और पहुँच जाते दरवाजे पे दस्तक दे के भाई मुझे मेरी अम्मा ने भेजा है आप इस पे फतवा। हालांकि उनकी अपनी राय उसके खिलाफ होती थी लेकिन माँ के एहतराम में जाकर उनसे मसला पूछते जिनसे रोज़ाना मुनाजरा होता था, रोज़ाना खटपट होती थी इल्मी, माँ ने कह दिया जाकर उनसे पूछ के आते थे। अपने इतनी बड़ी इल्मी कदर मंजिलत को एक तरफ रख देते थे, नहीं मेरी माँ ने मुझे कहा है। तो आप सब नौजवान हो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी दुआ लो, आह ना लो दुआ लो।